चलते हैं अगले वाले टॉपिक की तरफ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ घर्षण के प्रकार। घर्षण बल या घर्षण तीन प्रकार के होते हैं। पहले वाला जो होता है वो होता है भाई स्थैतिक घर्षण, सेकंड वाला जो होता है सीमांत घर्षण, और तीसरा जो होता है वो होता है गतिक घर्षण। पहले वाला देखता हूँ क्या होता है। नंबर वन, एस्थेटिक घर्षण। इंग्लिश होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। या स्टैटिकल फ्रिक्शन। जब कोई पिंड परस्पर संपर्क करते हुए साम्य अवस्था में हो, तो इस स्थिति में स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण को एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, मैं समझाऊंगा आपको क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब कोई पिंड परस्पर संपर्क करते हुए साम्य अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो उस स्थिति में संपर्क बिंदु पर उत्पन्न घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मान लिया जाए ये मेरे पास कोई टेबल है या ये मेरे पास कोई भी समतल है। इस समतल के ऊपर ये वाला पिंड रखा हुआ है। मान लिया ये इसके ऊपर कोई पिंड है और ये मेरे पास कोई टेबल ए भी है, तो जाहिर सी बात है ये वाला बिंदु या ये वाला बिंदु या ये वाला बिंदु या ये वाला बिंदु, सपोज दैट ये वाला बिंदु, इसका कौन सा बिंदु है? संपर्क बिंदु है, ठीक है ना? या आप संपर्क बिंदु मान लो या ये स्पर्श बिंदु है,
तो इसकी विशेष स्थिति के कारण, इसकी साम्यवस्था के कारण इस बिंदु पर जो घर्षण होगा उसको क्या कहूंगा मैं, एस्थेटिक घर्षण। ओके, आप ऐसे समझो, मान लिया जाए ये कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये कोई पिंड रखा हुआ है, ये मेरा कोई पिंड है जो अपनी साम्यवस्था में है, और इस टेबल का ये जो टेबल ए बी है, इस टेबल का और इस बॉडी का, इस पिंड का जो संपर्क बिंदु है वो मान लिया जाए पी है, ये वाला संपर्क बिंदु है। ओके, तो साम्यवस्था के कारण इस बिंदु पर जो घर्षण पैदा होगा इसको कहूँगा मैं एस्थेटिक घर्षण। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। दूसरे वाला जो घर्षण होता है बेटा मेरे पास, वो होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण इंग्लिश होती है इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब दो पिंड या बॉडी परस्पर स्पर्श करते हुए साम्य अवस्था में हूँ,